Boys, we must all be very proud of Jay. उसने ब्लू हाउस के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। इतने छोटे होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। रिमेंबर आवर मोटो इज बॉर्न फॉर ग्रेटर थिंग्स। उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, जिसके वजह से अब वो हमारे साथ नहीं रह सकता। वेल, वी ऑल मिस हिम एंड रिमेंबर, ब्लू हाउस को जय जैसे लड़कों की सख्त जरूरत है, ताकि सीनियर्स जा सके गर्ल्स हॉस्टल और जूनियर्स जा सके घर। प्रिंसिपल के हिसाब से जय को स्कूल से एक्सपेल किया, लेकिन वो एक सच्चा हीरो है। उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है। तो 3 cheers फॉर जय। हिप 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 यार जय, हम सीनियर्स की तरफ से एक छोटा सा फेयरवेल गिफ्ट। इसे हमेशा अपने पास रखना और पैकेट घर जाकर ही खोलना। अपने मम्मी पापा के सामने मत खोलना। थैंक यू कैप्टन। यू आर वेलकम। सुन, ये तू रख ले। नहीं नहीं, ये तो तेरी फेवरेट टी शर्ट है। अरे रख लेना यार। और सुन, तू अपने साथ ये कपिल देव का पोस्टर भी लेता जा। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं लूंगा। अरे ले लेना यार। और देख, इधर मैंने अपना साइन भी किया है, बिल्कुल कपिल देव के बगल में। ये तो ऐसा लगता है जैसे इसका पूरा नाम कपिल देव गौतम शर्मा है। एक दिन मेरा भी ऐसा ही पोस्टर बनेगा। पोस्टर टोस्टर टोस्टर गौतम टोस्टर। तू टोस्टर, तू टोस्टर। तू टोस्टर, तू टोस्टर। मैं लेटर लिखूंगा। तू देखना, तेरे से पहले मेरा लेटर तेरे घर पहुंच जाएगा। गौतम, क्या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे यार? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मेरे डैडी मुझे घर से निकाल देते, डेफिनेट। पर मैं घर नहीं जाऊंगा यार। सुन, अगर हम लोग कहीं भाग जाए तो? जे So I don't want to go home, sir. Listen, my boy, calm down and don't worry. Remember the school motto, born for greatness, which I'm sure you are. Keep it. It's a memento from Patrick the Terrible. Come, Jay, let's go. Come. धीमे चलाओ राज, तुम तो ऐसे चलाते हो जैसे सारी सड़क तुमने ही खरीद रखी हो। धीमे बोलो। क्या? कुछ नहीं। देखा, फिर कुछ बड़बड़ा दिया और फिर वेग हो गए। डार्लिंग,
दिस कॉजेज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. जो भी है बी क्लियर, बोल दो. धीमे बोलो. वैसे भी जोर से बोलना मुझे पसंद नहीं है. अनलाइक सम पीपल. डोंट गेट सार्कास्टिक माया. अब तुम अपनी सिगरेट मत जलाओ. वैसे भी शहर में इतनी पोल्यूशन है, उसके ऊपर से ये सिगरेट. कुछ बच्चे की भी सोचो. एंड रिमेम्बर राज, हमें जय को बिल्कुल इंफीरियर या गिल्टी नहीं फील करवाना है. उसकी साइकोलॉजी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. मैं कुछ नहीं कहूंगा, डोंट वरी. दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट. अगर तुम बिल्कुल चुपचाप हो गए तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम उससे नाराज हो. हमें उसे जो भी कुछ कहना है बहुत सोच समझ के कहना है. वील डिस्कस विद हिम कैजुअली, एकदम कैजुअली. जय उठो बेटा, घर आ गया है, चलो. जय बहुत डरा हुआ है, तुम उससे बात जरूर करना. राज राज, एक तरफ तुम कहती हो कि उससे कुछ कहना मत, उसकी साइक पर असर पड़ेगा, फिर कहती हो कि बात करो. गिव हिम सम टाइम माया. ये उधर कहाँ गया है? पिछले साल एक गिलहरी पाल रखी थी, याद है, अपनी जेब में लिए फिरता था. हाँ. उसी की ग्रेव बनी है वहाँ. अच्छा. डेसमंड, बाबा का सामान रूम में रख देना. मैंने सोचा नहाया नहीं होगा तो थोड़ा पानी डाल दूं. हैं? क्या है, घर में घुसने से पहले थोड़ा साफ सफाई हो जाए तो अच्छा है. रास्ते में बहुत कचरा लगा होगा तुझे. क्या है, सामान कहाँ है तेरा? अरे इधर उधर क्या देखता है, तेरा अपना ही तो घर है. आजा आराम से आजा. वो बैग उधर रख देना, उधर. चल फटाफट तैयार हो जा और ध्यान रख, ये पिया बेबी का कमरा है, कुछ गड़बड़ किया ना तो इधर से भी निकाल दिया जाएगा, समझा? और हाँ, जल्दी आना, खाना ठंडा हो गया तो दोबारा गर्म नहीं करूंगा मैं, समझा? राज, ये केस बहुत सेंसिटिव है, तुम ही उससे बात करना, मैन टू मैन. मैन टू मैन? वो 10 साल का है माया, he is a kid, I can't talk to him man to man. लेकिन उसकी प्रॉब्लम भी तो मर्दों वाली है ना, he must be curious, otherwise वो girls hostel में क्यों गया? बिल्कुल, देखो ऐसा कभी कभी होता है लड़कों के साथ. वही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तुम ही उससे पूछना. मैं क्या पूछूं माया, हमें पता तो है ना कि वो क्यों एक्सपेल हुआ है. जय. अरे जय बेटा, कम कम कम, लेट सीट, आ जाओ. राज, तुम कुछ कह रहे थे? मैं भूल गया. जय बेटा, मैं आपसे एज अ फ्रेंड पूछ रही हूं, आप गर्ल्स हॉस्टल क्यों गए? वो मेरे सीनियर्स ने कहा था. सीनियर्स? फिर उन्हें पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? वो तो भाग गए, लेकिन मेटर मैडम ने मुझे पकड़ लिया. सॉरी मम्मी. दिस इज अबसर्ड राज, गलती कुछ सीनियर बदमाश लड़कों ने की और पनिशमेंट सिर्फ जय को मिली. दिस इज वेरी अनफेयर. जय, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? वो तो चुगली होती है, स्क्वीलिंग.
ओह गॉड राज, कुछ करो, टॉक टू देम, डू समथिंग। ये तो बहुत बुरी बात है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कह सकता हूँ माया? अरे तुम्हारा बेटा स्कूल से एक्सपेल हुआ है और तुम कुछ करना नहीं चाहते? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब ये यहीं है, यहीं पढ़ेगा, यहीं रहेगा। बट व्हाई, जब उसकी गलती है ही नहीं। माया गलती उसकी भी है। तो फिर उस गलती के बारे में कुछ करो, उसे समझाओ, टॉक टू हिम, लव हिम, पनिश हिम, डू एनीथिंग, डू समथिंग राज। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागते हो, इट्स अ प्रॉब्लम विथ यू। बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आई हैव पनिश्ड हिम नाउ। हैप्पी? और दरवाजा क्यों बंद करके बैठे थे? मैं तो 12 o'clock को ही आ गया था। गुड, ये तुम्हारा है? हाँ ये मेरा है, इसे कहाँ रखूं? एनीवे मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ। हेलो, ओहो डोडो, हाँ अभी अभी तो मैं घर पहुंची हूँ यार, बोर मत करो प्लीज। या आई नो यू लव मी। व्हाट? नहीं आज शाम को मुझे तैयार होना है, घर पे पार्टी है। हाँ हाँ ओके बाय। पार्टी? हाँ अपने अच्छे कपड़े निकाल लेना। किस चीज की पार्टी है? तेरी वेलकम पार्टी, अपने फैमिली में पहली बार किसी को स्कूल से निकाला गया है इसीलिए। मेड्स का तो बस ले भाई इसे आजकल। बिल्कुल, पहले तो मिसेस खन्ना की मेड का चक्कर था मेरे ड्राइवर के साथ, और अब तो मेरी अपनी मेड भाग गई है उसके। ये पार्टी गाइड किसका था? माया का। अब तो सोचा उसको लगा जय के लिए अच्छा रहेगा। जय के लिए अच्छा रहेगा या नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। घर में तो पीने नहीं देती सुमेधा। क्या बात कर रहे? अरे यार टोटल बैन ऑन लिकर। माया को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लकी मैन। तो फिर क्या सोचा माया ने जय के फ्यूचर के बारे में? यार ईश्वर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है बेटा एक्सपेल हो गया तो आगे की सोचो, पर माया वो तो जड़ खोदने में लगी है।
She has to find the root cause. अबे मैं अभी बोर्डिंग में था यार और बहुत पंगे करता था, क्या बताऊं तुझे, लेकिन मैं कभी पकड़ा नहीं गया. And that is the trick. Well said, Ishwar. कुछ भी करो लेकिन पकड़े मत जाओ बस. सारे पुलिस वाले तेरी तरह सोचते हैं. अरे सब में वो दम कहां, only me. She's always on the phone. ये सब फिल्मों का असर है. हेलो. क्या क्या बात है. हाय स्वीटहार्ट. वैसे तुमने वो फिल्म देखी? क्यों अभी फोन किया? Love 86. I know यार. गोविंदा. I know. क्या डांस करता है. I'm promising you. कल 10 बजे. Promise. सच्ची. Thank you, Desmond. इसीलिए तो हमने डिसाइड किया है संजय को हॉस्टल में नहीं भेजेंगे. लड़के बिगड़ जाते हैं. नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. एक ही बात है, पहले इंडिपेंडेंट होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं. अब देखो ना, 10 साल का बॉय और गर्ल्स हॉस्टल में चला गया. लड़के हैं, बॉयज विल बी बॉयज. हमारा संजू तो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं. बस बेटा बहुत हो गया, अब फोन रख दीजिए. या मम्मी, जस्ट वन सेक. And tell your brother, उसी की पार्टी है. Okay, mommy. तुम अभी तक यही बैठे हो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं. अच्छा आता हूँ. तो अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मम्मी बुला रही है. This is Sanjay. Sanjay, Jay. तुम ही जय हो. अपने टॉयज दिखाओ. मैं अब टॉयज से नहीं खेलता, मैं बड़ा हो गया हूँ. तुमने कभी गन चलाई है? गन नहीं. तुमने? मैं तो चलाता रहता हूँ गन. पापा पुलिस में है ना. अच्छा, कौन सी गन? वही जो होती है पुलिस वालों के पास. मेरे पास भी थी बहुत सारी गन. कहाँ है? सब खो गई. ये मेरी दीदी का रूम है. तुम्हारे पास तुम्हारा अपना रूम भी नहीं है? नहीं, डैडी का सारा सामान पड़ा है मेरे रूम में. तेरे पास गन भी नहीं है और रूम भी नहीं है. मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुमने कभी नहीं देखी. क्या? सीनियर्स ने गिफ्ट किया. चलो बहुत हो गया, अब कोई आ जाएगा. प्लीज एक बार और. जय भैया. देखा, मेरे पास वो है जो तूने कभी देखा ही नहीं. बच्चू. मैं बच्चा नहीं हूँ. तुम हो. नहीं हूँ. तुम हो. तू बच्चा, तेरे डैडी बच्चे. तू तो बैड बॉय है. तेरे पास अपना रूम भी नहीं है. तेरे पेरेंट्स तुझे प्यार नहीं करते. करते हैं. नहीं करते. अगर करते होते तो तुझे हॉस्टल क्यों भेजते? चुप हो जा संजय. मेरी मम्मी कहती है जो पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार नहीं करते उसे दूर भेज देते हैं. तो सिली है. नो वन लव्स यू. मुझे तो लगता है तेरे पेरेंट्स भी तेरे नहीं है. मम्मी मम्मी, संजय गंदी बातें कर रहा था. आंटी मैं गंदी बातें नहीं कर रहा हूँ, जय गंदी बातें कर रहा है. वो देखो उधर वो कुछ रखा है, मुझे बता रहा था वो. क्या रखा है? निकालो. निकालो जल्दी.
प्लीज सुमेधा, संजय, ईश्वर, आप बाहर चलिए, आप अपनी पार्टी क्यों बर्बाद करते हैं? एंड माय गुड बॉय, आप यही रहेंगे अपनी बुक्स के साथ अकेले. नो वन विल टॉक टू हिम. ठीक है माया, बच्चे से गलती हो गई, लेकिन प्लीज सुमेधा, मेरा बेटा है, मैं जानती हूं क्या करना है. थैंक यू बेटा, बहुत इज्जत बढ़ाई आपने आज. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.